हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे हैं, सेफ हैं, खुश हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं काफ़ी टाइम से कुछ शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज शूट किया जाए। तो आज मैं आपको एक फेस पैक बताऊंगी जो बहुत अच्छा है, मैंने हाल ही में यूज़ किया है और उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ग्लो देगा, एक पिंकिश टिंट आ जाएगा आपके फेस पे एंड बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस पैक के लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें। सबसे पहले है बेसन और हल्दी, फिर जो पिंक दाल होती है यानी कि मसूर की दाल, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है तो ये उसका चूरा है। फिर हमने लिया है बीटरूट यानी कि चुकंदर का पाउडर, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, मैंने तो नायका से मंगवाया था। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी और बेसन, फिर मसूर की दाल, अब हम इसमें डालेंगे बीटरूट यानी कि चुकंदर का पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जल यानी कि रोज वाटर, और जिनको गुलाब जल नहीं सूट करता है वो खाली पानी भी डाल सकते हैं। एंड अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें जो हमने हल्दी और बेसन डाला है, आपको तो पता ही है कि वो स्किन के लिए कितनी अच्छी है, स्किन की क्लेंजिंग के लिए, और हल्दी तो है भी एंटीसेप्टिक। एंड इसमें जो मसूर दाल डाली है हमने, वो एक तरह से हमारा नेचुरल स्क्रब की तरह हेल्प करेगा। और चुकंदर तो आपको पता ही है कितना ही अच्छा है हेल्थ के लिए। तो ये आपके फेस में एक रेड टिंट देगा, नेचुरल टेंट। एंड सो ये हमारा पेस बन चुका है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर फेस पे लगाएंगे। तो हो गया हमारा फेस वॉश, साथ में हमारा फेस पैक भी रेडी है, तो जल्दी से हम इसको लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है और इसको मैंने अभी हाल ही में ईद पे लगाया था और इतना अच्छा ग्लो आया था मेरे फेस पे। अगर आपको देखना है तो जल्दी जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे और देखिए मेरी ईद की फोटोज। और ये फेस पैक आप वीक में एक बार लगा सकते हैं, वंस अ वीक या फिर ट्वाइस अ वीक। वैसे तो इसमें सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही है, तो वैसे तो आपको पैच टेस्ट करने की नहीं है ज़रूरत, पर अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप प्लीज़ मत लगाइएगा, बट वैसे अदरवाइज ये पैक बहुत अच्छा है। तो लग गया हमारा फेस पैक एंड इसको हम एटलीस्ट 15 मिनट्स या जब तक ये ड्राई या सूख नहीं जाता है तब तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे। एंड आज मैंने वाइट ड्रेस पहना है तो मैंने काफ़ी रिस्क लिया है वाइट ड्रेस पे ये फेस पैक लगा के, तो जब तक ये ड्राई होगा, जब तक ये सूखेगा तब तक मैं कुछ और काम करती हूँ। तो हमारा फेस पैक सूख चुका है और मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी। तो इसको मैं कैसे वॉश करूँगी अपने फेस को, मैं हाथ में पानी लूँगी और मैं ऐसे 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 करूँगी ताकि जो इसमें हमने मसूर की दाल डाली है उससे हमारी जो स्किन है उस पर स्क्रबिंग हो जाए। और ठीक है, मैं वॉश करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अपना ग्लोइंग फेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ और मेरी स्किन कितनी ही ग्लो कर रही है एंड स्किन को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड तो ये था हमारा छोटू सा फेस पैक DIY घर पे, एंड बहुत इजी है, आप भी ट्राई करिए लाजमी और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड वैसे तो ये पेड प्रमोशन नहीं है पर मैं बता देती हूँ मैंने कौन सा बीटरूट पाउडर यूज़ किया है। तो ये वाला है प्राकृतिक बीटरूट पाउडर, ये मैंने नायका से मंगवाया था
आई थिंक काफ़ी अच्छा है। एंड इसको आप अपने फेस पैक में ही नहीं बल्कि अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसे अपने पानी में डाल के पी सकते हैं या अपने यू नो किसी सब्जी दाल वगैरह में डाल सकते हैं। एंड तो इसे लास्टली अपने डाइट में लाइए, अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये फेस पैक, डू ट्राई इट। एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दुआ में याद रखिए। बाय।